नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज 7। खबर गाजीपुर से आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार नशे का कारोबार करने वालों पर सख्त है, जिसकी वजह से पुलिस नशे का कारोबार करने वालों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। गाजीपुर में पुलिस ने 2 महिला समेत 3 हेरोइन तस्करों को गिरफ्तार किया है। स्वॉट टीम और दिलदार नगर पुलिस ने स्थानीय थाना क्षेत्र के ग्राम कुशी को जाने वाली सड़क के पास से इसी गांव के रहने वाले मंगला सिंह कुशवाहा, मंकेश्वरी देवी और रीता देवी को गिरफ्तार किया और इनके पास से 845 ग्राम नाजायज हेरोइन बरामद किया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 80,45,000 रुपये बताई जा रही है, जबकि ये तीनों तस्कर एक ही परिवार के हैं। देखिए एक रिपोर्ट। अपराध मुक्त प्रदेश बनाने की बात की जा रही है, ऐसे में आज पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। किस तरह की कामयाबी है और कितने का माल बरामद किया? देखिए, नारकोटिक्स एनडीपीएस सब्सटेंसेस पे लगातार गाजीपुर पुलिस द्वारा काम किया जा रहा है। विगत 2 महीने में लगभग 40 लोगों को इसमें जेल भेजा गया है और 37 से अधिक मुकदमे इसमें पंजीकृत किए गए हैं। कल की तारीख में 845 ग्राम हेरोइन जो है वो बरामद हुई है। 3 लोगों के इसमें अरेस्टिंग की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 80 लाख रुपए से ज़्यादा इसकी वैल्यू है। विगत 2 महीने में लगभग 2 किलोग्राम हेरोइन जो है इसके समेत बरामद किया गया है। साथ ही में कुछ इंजेक्शंस वगैरह भी उन चीज़ों पे भी जो है वो काम किया जा रहा है। लगभग 400 किलोग्राम गांजा भी इसमें बरामद हुआ है। अलग अलग तरीके के नारकोटिक्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस पे पुलिस द्वारा काम किया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण की जांच जो है वो एसपीआरए को दी गई है, उनकी टीम को दी गई है और लोग जो भी इस नेटवर्क में शामिल हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस उसके निकाले जाएंगे और उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही में इन लोगों के खिलाफ जो कि नशे की लत युवकों को लगाते हैं, धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए इनकी प्रॉपर्टी का जब्तीकरण भी कराया जाएगा। आज के खुलासे में सर, कितने लोग गिरफ्तार हैं, किस तरह के लोग हैं और इन लोग किस तरह से ये माल की सप्लाई? देखिए, 3 व्यक्ति इसमें गिरफ्तार हुए हैं। एक ही परिवार के ये 3 लोग हैं, 2 महिलाएं और एक पुरुष है, और इनके बेटे जो है जो कि नाबालिग भी है, 16 वर्षीय है, वो भी इस धंधे में काम करते हैं। 845 ग्राम हेरोइन इसमें बरामद जो है वो हुआ है। सर, क्या ये गाजीपुर में केवल फल फूल रहे हैं कि अन्य जगहों पे मतलब इन लोगों? देखिए, जो भी माल आता है वो बाहरी जनपदों से, बाहरी राज्यों में से माल आता है। एंट्री बिहार द्वारा इसकी एंट्री जो है वो यहाँ पे की जाती है। इसको 2 तरीके से सप्लाई किया जाता है। लोकल युवकों को भी छोटी छोटी पुड़िया के माध्यम से उसको सप्लाई किया जाता है। थोक में माल जो है वो बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज जैसे कि पुणे है, मुंबई है, दिल्ली है, बैंगलोर, वेस्ट बंगाल में कलकत्ता है, इन जैसे सिटीज को भी थोक मात्रा में ये सप्लाई किया जाता है, ताकि नाइट लाइफ जो कि पार्टीज पब इत्यादि में ये इसका जो है वो इस्तेमाल किया जा सके। सर, गाजीपुर में अगर हम बात करें तो पूरे प्रदेश में जो है नशा मुक्त प्रदेश बनाने की बात की जा रही है, गाजीपुर में पुलिस किस तरह के काम करे कि नशा मुक्त हो सके? देखिए, लगातार इसका अभियान जो है वो चल रहा है शहरी एरिया में, इन चीज़ों को टैकल करने के लिए एसपी सिटी के नेतृत्व में, ग्रामीण इलाकों में इस चीज़ को टैकल करने के लिए एसपीआरए के नेतृत्व में एसओजी को भी लगाया गया है। लगातार जो है इसमें कार्रवाई चल रही है। सर, लगातार 3 सालों से हीरोइन की बरामदगी का काम रुक गया था, बहुत कम मात्रा में बरामदी हो रही थी। क्या ये नशे के तस्कर ज़्यादा सक्रिय हुए हैं कुछ दिनों में, या दबाव आपका प्रेशर अधिक? देखिए, 2 महीनों में 40 अपराधियों की गिरफ्तारी इसमें कराई गई है, 37 के आसपास इसमें मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं और 100 की संख्या में किलोग्राम में इसकी जो है वो बरामदगी कराई गई है। इस तरीके का अभियान, इस तरीके की कार्रवाई हमारे टीम के अधिकारी और जो भी पुलिस कर्मी है उनके नेतृत्व में कराई जाए। मतलब मानते हैं आप बेहतर पुलिसिंग का नतीजा है।